इमारतों से धुएं और आग की लपटें उठ रही हैं। आग बुझाने के लिए दमकल और कई आपातकालीन विभागों के कर्मचारी कोशिश कर रहे हैं। ये नज़ारा यूक्रेन के नीप्रो शहर का है, जहां शुक्रवार की सुबह रूस ने मिसाइलें दागी हैं। पिछले 24 घंटे यूक्रेन के कई शहरों पर कहर बनकर टूटे हैं। रूस ने यूक्रेन के शहरों पर 20 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें दागी हैं और इसी हमले में एक मां और उसकी छोटी बच्ची की मौत हो गई है। इस इलाके के गवर्नर सेरही लिसाक के मुताबिक यूक्रेन के नीप्रो शहर में हुए हमले में एक 31 साल की महिला और उसकी 2 साल की बेटी की मौत हुई है। रूसी हमले के बाद यूक्रेनियन स्टेट इमरजेंसी सर्विसेज के कर्मचारियों को यहां इमारतों में लगी आग से निपटते हुए देखा गया। शुक्रवार तड़के रूस ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बनाते हुए 20 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें दागी और 2 ड्रोनों से भी हमला किया गया। इसी हमले में नीप्रो शहर भी निशाना बना। मिसाइल हमले से लगी आग ने नीप्रो के एक घर और एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को चपेट में ले लिया। यहां 4 लोग घायल भी हुए हैं। यूक्रेन के उमान शहर में शुक्रवार को क्रूज मिसाइल हमले के बाद लगी आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी जुटे हुए हैं। उमान शहर यूक्रेन की राजधानी कीव से लगभग 215 किलोमीटर यानी 133 मील दूर दक्षिण दिशा में है। यूक्रेन की नेशनल पुलिस के मुताबिक उमान में एक रिहायशी इमारत और गोदाम पर 2 क्रूज मिसाइलों के हमले में 3 लोगों की मौत हुई और 8 लोग घायल हो गए। चरकासी के गवर्नर इहोर टेब्यूरेट्स ने कहा कि आपातकालीन सेवा के कर्मचारी जमीन पर काम कर रहे हैं। यूक्रेन की नेशनल पुलिस ने एक वीडियो फुटेज शेयर किया है जिसमें एक क्षतिग्रस्त रिहायशी इमारत दिखाई दे रही है और बचाव कर्मी मलबे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस की यह बमबारी पूर्वी यूक्रेन में युद्ध की बड़ी फ्रंट लाइन या सक्रिय युद्ध के इलाके के पास कहीं नहीं थी, जहां दोनों सेनाओं के बीच बड़ा संघर्ष चल रहा है और एक गंभीर युद्ध जोर पकड़ चुका है। बल्कि इस हमले में रूस ने ज्यादातर उन इलाकों को निशाना बनाया है जो जंग से अब तक दूर रहे हैं। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।